गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम विजुअल बेसिक में डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं हमारे। ठीक, तो आज हम प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे प्रोसीजर्स किस तरीके से विजुअल बेसिक में वर्क करते हैं। तो विजुअल बेसिक ऑफर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स टू एग्जीक्यूट स्मॉल सेक्शन ऑफ कोडिंग इन एप्लीकेशन। मतलब विजुअल बेसिक जो है वो ऑफर करता है डिफरेंट टाइप प्रोसीजर्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स को वो ऑफर करता है कि वह स्मॉल सेक्शन ऑफ कोड, यानी कि स्मॉल सेक्शन जो कोड का होता है उसको वह एग्जीक्यूट कर सके एप्लीकेशंस में। अब इसका सेकंड पॉइंट है, विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल लॉजिकल कंपोनेंट्स। यानी कि विजुअल बेसिक के जो प्रोग्राम्स होते हैं वह लॉजिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक किए जाते हैं, जिनको हम प्रोसीजर्स कहते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को हम स्मॉल प्रोसीजर्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रोसीजर्स आर यूजफुल फॉर कंडेंसिंग रिपीटेड ऑपरेशंस सच एज द फ्रिक्वेंटली यूज कैलकुलेशन। यानी कि प्रोसीजर्स जो हैं वे यूजफुल होते हैं कंट्रोल करने के लिए, रिपीटेड ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि फ्रिक्वेंटली यूज कैलकुलेशन, यानी कि एट रैंडम कैलकुलेशन करनी होती है, या एट रैंडम जो टेक्स्ट एंटर कराना होता है, या कुछ हमें कैलकुलेशन करनी होती है रैंडमली, तो उसके लिए हम प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे तीन बेसिक पॉइंट्स जिसके बेस पर हम प्रोसीजर को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसीजर हमारे विजुअल बेसिक के प्रोग्राम में किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। देन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग विजुअल बेसिक प्रोसीजर, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिस पर हम विजुअल बेसिक के प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं। तो इट इज़ ईजियर टू डीबग अ प्रोग्राम विथ प्रोसीजर, यानी कि हम आसानी से प्रोग्राम्स को विजुअल बेसिक के डीबग कर सकते हैं विच ब्रेक्स अ प्रोग्राम इनटू डिस्क्रीट लॉजिकल लिमिट्स, यानी कि जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को तोड़ देते हैं डिस्क्रीट लॉजिकल लिमिट्स में। ठीक, तो यह था हमारा पहला बेनिफिट्स। सेकेंड बेनिफिट की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर्स यूज्ड इन वन प्रोग्राम कैन एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि प्रोसीजर यूज़ होते हैं एक प्रोग्राम में और वह एक्ट करते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह अदर प्रोग्राम में स्लाइट मॉडिफिकेशन, यानी कि बहुत ही माइनर से डिफरेंस के साथ। अब है टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि विजुअल बेसिक में प्रोसीजर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं या किस किस टाइप्स के हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक में। तो फर्स्ट होता है हमारा, अ प्रोसीजर कैन बी कैटेगराइज इनटू, यानी कि प्रोसीजर को जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज सब प्रोसीजर, सेकंड कैटेगरी इज फंक्शन प्रोसीजर, एंड थर्ड कैटेगरी इज प्रॉपर्टी प्रोसीजर। तो यह तीन प्रोसीजर हैं जिसकी बेस पर हमें प्रोसीजर्स की कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं सब प्रोसीजर के बारे में। तो अ सब प्रोसीजर कैन बी प्लेस्ड स्टैंडर्ड, यानी कि सब प्रोसीजर जो है वह हमारा प्लेस्ड किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्लास में और फॉर्म मॉड्यूल्स में। यानी कि जो सब प्रोसीजर है हमारा वो प्रोग्राम में हम प्लेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्लास में या फॉर्म मॉड्यूल्स में। अब ईच टाइम द प्रोसीजर इज कॉल्ड द स्टेटमेंट बिटवीन सब एंड सब आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो हमारा प्रोसीजर है वो हमारा जो एग्जीक्यूट होता है या जिसको हम स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं वो हम सब और एंड सब के बीच लिखते हैं, सब और एंड सब के बीच हम लिखते हैं। इसके सिंटैक्स को देखिए, इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्राइवेट में हमारा क्या है, प्राइवेट पब्लिक जो क्या है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, देन स्टेटिक, यानी कि उस चीज़ को हम किस तरीके से वेरिएबल, हम प्रोसीजर हमने लिया सब प्रोसीजर यहाँ पे लिया हमने, उसका नेम दे दिया, देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, देन उसके बाद हम स्टेटमेंट जो भी हमें आर्ग्यूमेंट्स के अंदर लिखना होता है वो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, जैसे कंसोल स्टेटमेंट लिख दिया हमने, देन एंड सब के थ्रू हम उस प्रोसीजर को टर्मिनेट करते हैं। देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो होती है हमारी, ये आर्ग्यूमेंट की एक लिस्ट होती है, आर्ग्यूमेंट नेम्स की एक लिस्ट होती है जो कि कॉमास के हेल्प से सेपरेट की जाती है,
ईच आर्ग्यूमेंट एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल इन द प्रोसीजर, और हर आर्ग्यूमेंट जो होता है वो वेरिएबल की तरह एक्ट करता है प्रोसीजर में, वो वेरिएबल की तरह एक्ट करता है प्रोसीजर में। तो यह था हमारा सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर में हमने देखा ये किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि सब प्रोसीजर हमारा इनिशियलाइजेशन से लेके टर्मिनेशन तक वर्क करता है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब प्रोसीजर की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब प्रोसीजर्स, नेमली सब प्रोसीजर जो है वो हमारा टू टाइप्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट टाइप है हमारा जनरल प्रोसीजर और सेकेंड टाइप है हमारा इवेंट प्रोसीजर। ठीक, तो यानी कि दो टाइप्स के हमारे होते हैं प्रोसीजर्स। अब हम देखते हैं जनरल प्रोसीजर के बारे में, क्या जनरल प्रोसीजर क्या होता है हमारा। अ जनरल प्रोसीजर इज डिक्लेयर व्हेन सेवरल इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म द सेम एक्शन। जनरल प्रोसीजर हमारा उस समय डिक्लेयर किया जाता है, जनरल प्रोसीजर हमारा उस समय डिक्लेयर किया जाता है जब हमारे कई इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं सेम एक्शन को, जब हमारे कई इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं सेम एक्शन को। ठीक, तो यह हमारा होता है जनरल प्रोसीजर। ठीक, अब हम बात करते हैं इन ऑर्डर टू ऐड जनरल प्रोसीजर, यानी कि हम किस तरीके से जनरल प्रोसीजर को ऐड करते हैं। तो द कोड विंडो इज ओपन फॉर द मॉड्यूल टू विच द प्रोसीजर इज टू बी एडेड, यानी कि कोड विंडो को हम ओपन करते हैं और कोडिंग की हेल्प से प्रोसीजर को ऐड करते हैं। ठीक, द ऐड प्रोसीजर ऑप्शन इज चूजन फ्रॉम टूल्स मेन्यू। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें डायलॉग बॉक्स की हेल्प से करना होता है तो हम टूल मेन्यू पर जाते हैं, देन हम ऐड प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करते हैं, देन वहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहां पर लेवल के थ्रू नेम लिखा गया है, देन टेक्स्ट बॉक्स में हम प्रोसीजर का नेम लिखेंगे जो प्रोसीजर हमें ऐड कराना है, देन उसका टाइप यानी कि वो सब प्रोसीजर है, प्रॉपर्टी प्रोसीजर है, फंक्शन प्रोसीजर है या इवेंट प्रोसीजर है, देन उसका एक्सेस स्पेसिफायर कि उसका स्कोप क्या है, वह पब्लिकली डिफाइन करना है हमें या प्राइवेटली डिफाइन करना है। फिर चेकबॉक्स के थ्रू आप देख रहे होंगे यहाँ ऑल लोकल वेरिएबल एज स्टेटिक्स, यानी कि हमें यहाँ पर वेरिएबल को अभी आपने देखा प्रोग्राम सिंटेक्स में भी हम एज स्टेटिक उसको डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम स्टेटिक कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे ये ऊपर जो टाइप में और स्कोप में आपका सर्कल के अंदर डॉट दे रखा है, तो ये हमारे रेडियो बटन कहलाते हैं। इवेंट प्रोसीजर, इवेंट प्रोसीजर क्या होता है हमारा, एंड इवेंट प्रोसीजर इज अ प्रोसीजर ब्लॉक दैट कंटेन्स द कंट्रोल्स एक्चुअल नेम एज अंडरस्कोर, यानी कि इवेंट प्रोसीजर जो होता है ये हमारा प्रोसीजर ब्लॉक होता है जिसके अंदर हमारे कंट्रोल्स के एक्चुअल नेम की हेल्प से और इवेंट नेम अंडरस्कोर की हेल्प से कंटेन होते हैं, यानी कि यह रखता है अपने अंदर। ठीक, अब सिंटैक्स क्या होता है इसका, द फॉलोइंग सिंटैक्स रिप्रेजेंट द इवेंट प्रोसीजर फॉर अ फॉर्म लोड इवेंट में। अब यहाँ पर इवेंट हो रहा है हमारा फॉर्म लोड, यानी कि हम फॉर्म को लोड कर रहे हैं, तो यह हमारा यहाँ पर इवेंट हो रहा है जो कि हम सब प्रोसीजर के अंदर क्रिएट करेंगे या सब प्रोसीजर के अंदर इसको हम फॉलो कराएंगे। तो हम देखते हैं प्राइवेट सब फॉर्म लोड देन स्टेटमेंट ब्लॉक देन एंड सब। अब आप देख रहे होंगे प्राइवेटली हमने फॉर्म को लोड करा विद इन द सब प्रोसीजर, सब प्रोसीजर के अंदर हमने फॉर्म को लोड करा, अब हम क्या है एंड सब की हेल्प से उसको टर्मिनेट करा देंगे। ठीक, तो ये है देखा आपने कि किस तरीके से हमने सब प्रोसीजर के अंदर इवेंट प्रोसीजर का यूज़ किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन प्रोसीजर। फंक्शंस आर लाइक सब प्रोसीजर्स एक्सेप्ट दे रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोसीजर। फंक्शंस जो होते हैं ये हमारे सब प्रोसीजर की तरह होते हैं, बस फर्क ये होता है कि हमारे कॉलिंग प्रोसीजर को ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। समझिएगा ध्यान से, फंक्शन प्रोसीजर हमारे सब प्रोसीजर की तरह ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि ये हमारे कॉलिंग प्रोसीजर को ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर टेकिंग वन और मोर पीसीस ऑफ डेटा, यानी कि यह स्पेशली यूजफुल इसलिए होते हैं क्योंकि ये वन और मोर पीसेस ऑफ डेटा को रखते हैं जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, जो कि सेम टास्क परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर के साथ, जो कि सेम टास्क परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर के साथ। द फॉलोइंग फंक्शन प्रोसीजर कैलकुलेट्स द थर्ड साइट ऑफ हाइपोटेनस,
ऑफ आर राइट ट्राइंगल, यानी आप देख रहे होंगे इसकी हेल्प से हम मैथमेटिकली कैलकुलेशंस को भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि देखें आप द फॉलोइंग फंक्शन प्रोसीजर, ये जो हमारा फंक्शन प्रोसीजर है इसकी हेल्प से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हाइपोटेनस के नाम से, जो कि हमारी राइट एंगल की हाइपोटेनस को बताएगा। तो फंक्शन हाइपोटेनस ए एस डबल बी एस डबल, अब आपने देखा यहाँ पर फंक्शन हमने क्रिएट किया हाइपोटेनस नाम से, उसमें हमने ए को एज अ डबल डेटा टाइप और बी को एज अ डबल हमने डेटा टाइप यहाँ पर एज अ वेरिएबल पास या पैरामीटर पास हमने करा दिया। अब हाइपोटेनस के थ्रू हम देखेंगे हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ए की पावर टू प्लस बी की पावर टू, ए की पावर टू प्लस बी की पावर टू, देन इसको हमने फंक्शन को एंड करा दिया, यानी कि फंक्शन को हमने टर्मिनेट करा दिया एंड फंक्शन करके, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो गया। यानी कि अब इस फंक्शन की हेल्प से हम इजीली अपने राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने आज प्रोसीजर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा और प्रोसीजर हमारे किस टाइप के होते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर्स के हमारे जिस तरीके से डिफरेंट टाइप्स स्मॉल सेक्शन होते हैं जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बेनिफिट्स क्या होता है प्रोसीजर का कि हमारे प्रोग्राम को डिबग करने के लिए हेल्प करता है, और हम क्या करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं इसके अंदर जो कि हमारे कुछ हद तक चेंज होते हैं अदर प्रोग्रामिंग से। तीन टाइप्स के होते हैं हमारे प्रोसीजर, सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर और प्रॉपर्टी प्रोसीजर। अब सब प्रोसीजर की बात करें तो सब प्रोसीजर क्या होता है, हमारे क्लास और फॉर्म मॉड्यूल में डिफाइन होता है जो कि स्टेटमेंट के थ्रू, जिसमें कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ सब प्रोसीजर और टर्मिनेशन ऑफ सब प्रोसीजर के बीच में। आर्ग्यूमेंट लिस्ट हमारी एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट नेम की एक लिस्ट होती है जो कि कॉमा के हेल्प से सेपरेट की जाती है। टाइप्स क्या होते हैं इसके, टू टाइप्स होते हैं जनरल प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर को हम टूल मेन्यू के हेल्प से भी, टूल मेन्यू डायलॉग बॉक्स के हेल्प से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इवेंट प्रोसीजर में हमारा फॉर्म लोड होता है, फॉर्म लोड की हेल्प से हम इसको यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।